दोस्तों, आपका स्वागत है संतुषी जैन के चैनल पर। आप दोस्तों की डिमांड पर आज मैं स्वीट डिश बता रही हूँ। जी हाँ, बादाम का हलवा, सबका पसंदीदा बादाम का हलवा। देखिए हमने ये कैसे बनाए, आज मैं इसकी रेसिपी बताऊँगी, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने के लिए हमें क्या चाहिए अब देखते हैं, चलो शुरू करते हैं बादाम के हलवे की रेसिपी। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम देखते हैं अभी बादाम का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। मैंने यहाँ बड़े वाले कप से 1.25 कप बादाम लिए हैं और 2 नंबर वाले कप से 1 कप फुल भर के शक्कर ली है और गार्निश के लिए काजू और बादाम लिए हैं, उसको हम पीसेस कर लेंगे। और यहाँ मैंने लगभग घी लिया है, इसमें से मुझे 4 से 5 टेबलस्पून घी लगेगा। सबसे पहले हम बादाम को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो लेंगे। 2 घंटे बाद में बादाम भीगने के बाद कुछ इस तरह से फूल जाएगी, हमें इसे मिक्सर में से बारीक पीस लेना है। हमें इसका छिलटा नहीं निकालना है, इसे छिलटे के साथ में ही पीसेंगे। बहुत से लोग छिलटा निकाल देते हैं, यदि आप छिलटा पसंद नहीं करते तो निकाल दो, क्योंकि छिलटे में ज़्यादा विटामिन होते हैं, इसलिए हम छिलटे के साथ में ही पीसेंगे और इससे हमारे बादाम के हलवे को बहुत बढ़िया कलर भी आएगा। इसे हम मिक्सर से पीस लेंगे और ये पानी भी हम फेंकेंगे नहीं, ये हम पीसने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने बादाम मिक्सर के पॉट में डाल लिए और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीसेंगे और इसका एकदम चिकना पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से ये दरदरा हो चुका है, अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। लगभग ये पानी पूरा लग जाएगा थोड़ा थोड़ा करके और अच्छा हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छा बारीक पेस्ट कर लिया है, हमारा इतना पानी बचा है, अभी हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, या मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली, आप चाहो तो सादी कढ़ाई भी ले सकते हो। नॉनस्टिक कढ़ाई में घी कम लगेगा, या मैं लगभग 3 से 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी आप अच्छा वाला लो, देसी घी यूज़ करोगे तो खुशबू अच्छी आएगी। लगभग 4 टेबलस्पून घी ले लिया है मैंने, यहाँ घी को अच्छा गर्म होने दें। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बादाम की पेस्ट डालेंगे। इस तरीके से हम इसे एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम में सेकेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे सेकेंगे। ये जो बच्चा पानी था हमने इसमें डाल लिया है, इस तरह से इसे हिला लेंगे ताकि हमारे पेस्ट पूरी निकल जाए। अभी हम जब गर्म पानी डालेंगे, इसी पानी को हम गर्म कर लेंगे। इस तरीके से हमें अच्छे से इसे सेकना है, इसमें काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। देसी घी यूज़ करोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। लगभग 15 मिनट तक हम इसे अच्छे से सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बादाम के पेस्ट ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसे इसी तरह से भूनते रहना है और अभी 5 मिनट भूनेंगे। पेस्ट अभी कढ़ाई छोड़ने लग चुका है, ये चिपक नहीं रहा है। अब बादाम ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारे बादाम अच्छे से भुने जा रही है। अब हम इसमें छोटे कप से लगभग 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, यदि आप उपवास के लिए बना रहे हो तो आटा ना डालें। आटे को अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुने जा रहा है, एकदम बढ़िया हो चुका है। ये बादाम की पाउडर हो रही है, हमने पेस्ट डाली थी, लगभग ये पाउडर के समान हो गया है। इतना हमें भुनना है कि वो पाउडर बन जाए, बढ़िया खुशबू भी आ रही है। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर ऑप्शनल है। अभी अच्छे से सिक चुका है, हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। यार इतनी की लगभग 1 टेबलस्पून हम घी और डालेंगे इसमें साइड से। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
इससे क्या है खुशबू बढ़िया आएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो रहा है, आटा हमने व्हाइट डाला इसका कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अब इसके लिए गर्म पानी रखेंगे और इसमें गर्म पानी डालेंगे। गैस को पावर एकदम स्लो फ्लेम रख दें। हमने ये जो पानी निकाला था मिक्सी के पॉट से, यही पानी हम गर्म करके इसमें डालेंगे। लगभग बड़े वाले कप से एक कप पानी हमें लेना है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया दानेदार लग रहा है, इस तरह से क्रंची के जैसे आवाज आना चाहिए, इतना हमें इसे भूनना है। ये बहुत अच्छे से भुना जा चुका है, लगभग हमारा गर्म पानी भी हो चुका है। अब हम ये पानी इसमें ऐड करेंगे। गर्म पानी डालते वक्त सावधानी बरते। अब ये पानी हमें इसमें ऐड कर देना, थोड़ा दूर से रख के पानी डालें। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी मिक्स करना है। लगभग सारा पानी इसमें हो जाएगा ऐड। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं इसे बढ़िया कलर आ चुका है, और शक्कर डालने के बाद में और भी बढ़िया कलर आ जाएगा। इसे थोड़ा 2 मिनट पकने दें। गैस को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखें, तेज आंच पर जल जाएगा। इस तरीके से दानेदार दिखना चाहिए हमारा बादाम का हलवा। इसे ज़्यादा पतला ना करें, इसे हिसाब से रखने दें, ऐसे ही गाढ़ा रहना चाहिए। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हलवा रेडी हो चुका है, शक्कर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे शक्कर को अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना अच्छा शाइनी हलवा बना है, एकदम बढ़िया। अब इस पर हम लगभग 5 मिनट के लिए लीड रख देंगे और इसे होने देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो हमारा बादाम का हलवा बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर या फिर बर्थडे इवेंट्स पर कभी भी बना सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।